सावन के पहले सोमवार को रिमझिम बारिश के बीच भी भक्तजनों का उत्साह कम नहीं हुआ और सुबह से ही शिव के भक्तों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पूर्णमासी के बाद पहले सोमवार से सावन का महीना शुरू हो जाता है और सावन के पहले सोमवार को हमीरपुर के शिव मंदिर में भी भक्तजनों ने माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया और बिलपत्र, दूध, शहद, गंगाजल, पवित्र शिवलिंग पर चढ़ाए। वहीं पौराणिक गसोत्ता महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने बताया कि सावन के महीने में हर मनोकामना पूरी होती है और इस महीने में सच्चे मन से मांगने पर सब कुछ मिलता है। वहीं महिला ने बताया कि सावन महीने में 5 व्रत करने पर 16 व्रत के बराबर होते हैं। एक महीने तक बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। शिव भक्त महिला ने बताया कि इस महीने की भक्ति पूरी फल देती है और इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए सभी को सावन के महीने में व्रत रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सके। बेलपत्ता चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाई जाती है, फल फ्रूट चढ़ाया जाता है और उसमें वो अब जो जो मन्नत हो वो मांगी जाती है, वो पूरी होती है। सावन के महीने उसके पूजा होती है, बेलपत्ते चढ़ाए जाते हैं, जो मन्नत है मांगी जाती है और भोले शंकर जी की पूजा होती है। और श्रावण मास जो है तो भोले शंकर जी का भोले शंकर जी का गिना जाता है ना, इसलिए सब लोग आकर आज पूजा करते हैं। इसके नाम के अखबार दूध से पंचामृत से भी स्नान कराया जाता है, दूध से भी, दही से भी, चाय से भी, तो 5 चीज़ें से स्नान कराओ उनको। और ये दूध से कराओ, पानी से कराओ भगवान जी को स्नान, और उसके बाद उनको तेल चंदन का तेल लगाओ और साथ में बेलपत्र चढ़ाओ और उनकी पूजा अर्चना करो, जो उनसे मांगो वो दे। तो इसमें ऐसा है कि भोले शंकर जी मतलब जो है उससे दूध लस्सी चढ़ाई जाती है, भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, 5 अमृत चढ़ाए जाते हैं। और ये जो पूरे साल में जो श्रावण महीना है भोले शंकर का सबसे बड़ा महीना गिना जाता है, इसमें जो है भोले शंकर की पूजा होती है और इसमें मतलब जो है बहुत ही महत्व है इस महीने का। ये व्रत करते हैं इसमें 4 या 5 मतलब सोमवार आते हैं तो इसमें व्रत किया जाता है, तो व्रत जो वो निराहार किया जाता है। दे दिया भला हलपान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसने, शिव तेरे जिसने ध्यान किया, भगीरथ को दे दी गंगा सब जग ने स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को उतारा फल भर में कल्याण किया, वीणा तो नारद को दे दी गंधर्व को गान दिया, लंका तो रावण को दे दी 20 भुजा 10 शीश दिए, मुक्त हो काशी के वासी भक्ति में जगदीश दियो, आम नशे में मस्त रो पियो भंगरित खप्पर में, ऐसे दीन दल में समूह भरो खजाना पर भर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, भोले शंकर ने जो जब समुन्दर मंथन हुआ था तो उस टाइम उन्होंने मतलब जो है फलाहल यानी कि जहर का प्याला जो है वो पी लिया था, तो उसकी वजह से वो जो गले में धारण किया था तो उनके गले में थोड़ा सा जलन होती है, तो उसकी वजह से फिर ही इनको मतलब भांग धतूरे का मतलब सेवन करते हैं ये। तो भांग वो दूसरी नहीं, मतलब घोट के मतलब जो है जो मतलब घोट के पिलाते हैं उसकी उस मतलब उनसे गले से ठंडक रहती है, और जो गले में सांप डाले होते हैं उनकी भी उनको ठंडक रहती है। तो भोले शंकर ने हाला हल्का पान किया था इसलिए मतलब जो है भोले शंकर को जो सबसे अति प्रिय है एक बेलपत्री वो भी ठंडी होती है, और एक मतलब जो चंद्रमा जो माथे पे धारण किया होता है वो भी उनको ठंडक पहुंचाता है।